दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की मच अवेटेड मूवी सिंघम अगेन के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों इस मूवी ने 11 दिन में वर्ल्ड वाइड से कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। दोस्तों इस मूवी ने डे वन कलेक्शन किया था 42.20 लाख रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन किया था 119 करोड़ रुपए का और फर्स्ट वीक कलेक्शन किया था 171.35 लाख रुपए का और 8वें दिन कलेक्शन किया था 8 करोड़ रुपए का। 9वें दिन कलेक्शन किया था 12.40 लाख रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने 10वें दिन कलेक्शन किया था 13.85 लाख रुपए का। दोस्तों इस मूवी का 10 दिन का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था 205.60 लाख रुपए और ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था 245 करोड़ रुपए का और ओवरसीज कलेक्शन किया था 65 करोड़ रुपए का। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल 10 दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 310 करोड़ रुपए। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के 11वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मूवी अपने 11वें दिन कलेक्शन करने वाले लगभग 4 से 6 करोड़ के रेंज में और दोस्तों इस मूवी का टोटल बजट है 370 करोड़ रुपए और थिएटरिकल बजट था 185 करोड़ रुपए का। और दोस्तों ये मूवी अब तक के कलेक्शन के हिसाब से मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट हो चुकी है, दोस्तों आने वाले दिनों में हिट हो जाएगी। बात की जाए आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो 6.8 का आईएमडीबी रेटिंग मिल चुके इस मूवी को। क्या दोस्तों आपने भी रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर मूवी सिंघम अगेन देखी थी या नहीं, कमेंट में जरूर बता देना। दोस्तों आपने भी इस मूवी को देखा है तो इस मूवी में से कौन सा कैरेक्टर आपको ज्यादा पसंद आया कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों आपको क्या लगता है मूवी आने वाले दिनों में लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकते कमेंट जरूर कर देना।